नमस्कार। कक्षा चतुर्थ, विषय हिंदी, पाठ 6, वीर बालक अर्जुन सिंह। आज हम आपको वीर बालक अर्जुन सिंह, एक ऐसा बालक जो एक बहुत पराक्रमी हिम्मत वाला बालक था, उसके विषय में एक छोटी सी मैं बोध कथा सुनाऊंगा। आप जो है ध्यान से सुनेंगे। देखिए, उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव वादियात, उसमें एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें 3 प्राणी थे, माता पिता और उनका एक पुत्र। पुत्र की उम्र 16 साल थी। पिता किसी कार्य से कहीं गए हुए थे, माँ घर में अकेली थी और बेटा भी एक कमरे में बैठकर अपनी बोर्ड की, हाई स्कूल बोर्ड की तैयारी कर रहा था। वो प्रश्नों को लिखता और अपने दिमाग में जो है स्मरण करता, यानी कि वो बहुत जोर शोर से जो है अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहा था। माता अपना घर का कार्य में बिजी थी, उसने झाड़ू वाड़ू लगाई, अपने साफ सफाई की और जानवरों को नहाया। जानवरों को नहवाते हुए और उस नहाने के बाद उन्हें जो है चारा डाल रही थी। उसने कुछ पीछे से आवाज़ सुनी, उसने कुछ भयानक आवाज़ थी। उस भयानक आवाज़ को सुनकर जो है वो कुछ थोड़ी भयभीत हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पेड़ों के पीछे एक शेर था। शेर जो है दहाड़ मतलब घुर्रा रहा था और जैसे ही उन्होंने शेर को देखा वो भागी और भाग कर जो है वो गिर गई और बेहोश हो गई। जब बेटा जो पढ़ रहा था अपनी तैयारी में मंग था, तो उसने जो है माँ की आवाज़ को सुना, वो दौड़ा हुआ बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि माँ जो है ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। वो तुरंत समझ गया कि, उसने सोचा कि कुछ दूरी पर शेर खड़ा था, तो वो उसे समझने में देर नहीं लगी कि माँ जो है इस शेर को देखकर घबरा गई और चीख पड़ी और बेहोश हो गई। वो जल्दी से घर में घुसा, घर में घुसने के बाद तुरंत लक्ष्य लेकर आया और वो शेर पर जो है शेर को मारने के लिए दौड़ा। उसने शेर पर जो है प्रहार किया और प्रहार करने के बाद उसके थोड़े से पैर पर लगा और पैर पर लगकर जो है शेर फिर भागा, पीछे को थोड़ा हट गया डर के मारे और उसे ये लगा और बहुत क्रोधित हो गया। तो वो ये सोचने लगा विक्रम सिंह कि ये ज़रूर मुझ पर हमला करेगा। थोड़ी देर बाद ही उसने घुर्रा कर जो हमला किया, तो उसने अपने बार से जो है लाठी के बार से जो उसे रोक लिया और रोक कर जो है वो उसका पैर जख्मी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने साहस नहीं तोड़ा। उसने दोबारा फिर अटैक किया तो शेर जो है भाग गया। जब शेर भागा तो वो जो है नीचे पहाड़ियों पर, मतलब वहाँ पर ही कुछ पहाड़ियाँ थी, वो वहाँ जाकर छिप गया। उसने खटखट की आवाज़ लगाई, लेकिन वो जो शेर था पहाड़ी से नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो वहाँ अपनी माँ की उसने रक्षा की और वहाँ जो जानवर थे उन जानवरों की उसने जो है रक्षा की। कुछ गांव के लोग भी थे, वो बाद में आए, लेकिन तब तक जो है वो वहाँ से निकल चुका था, शेर जो है भाग चुका था। तो इस आदम्य साहस को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे 2015 में उसे वीर बालक के नाम से जो है उसे पुकारा और उसे जो है 2015 में एक पुरस्कार दिया। उसका नाम था संजय चोपड़ा पुरस्कार। इसी प्रकार से एक और घटना है कि एक स्थान पर एक दो बालक थे, दोनों बालक बड़े साहसी थे। वो अकेले घर में रहते थे और पढ़ते थे। एक दिन सो रहे थे, लड़की जो थी वो बीमार थी और बीमार होने के कारण
वो लेटी हुई थी, भाई जो है अपने पड़ पड़ा कर सो गया था। अचानक एक व्यक्ति, लंबा सा व्यक्ति जो है वहाँ आता है। वहाँ आने के बाद जो है वो कमरे में चोरी करने के उद्देश्य से आता है। वो पहले मर्डर कर चुका था लेकिन एक भय था उसका, लेकिन फिर भी जो है वो बालक चुपचाप, मतलब लड़का जो था वो चुपचाप सोए हुआ था। लड़की की आँख खटखट की आवाज़ से सुनाई दी लेकिन वो फिर भी बोली नहीं। चोर ने जो है धीरे से अलमारी को खोला और खोल कर जो है कुछ चीज़ निकाली, अन्य पैसे वैसे निकाले, और निकालने के बाद वो बाहर जैसे निकला, लड़की तुरंत उठी और उठकर जो है उसने तुरंत उस चोर पर प्रहार किया। प्रहार किया, चोर जो है भागा, लेकिन भागते ही जैसे ही उसने उसके हाथ में एक डंडा आया, उसने डंडा जो है फेंक कर मारा। चोर गिर गया और लड़की ने जो है उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ने के बावजूद उस पर जो है उसने अटैक किया। लड़की जख्मी हो गई लेकिन उसके बावजूद भी लड़की ने जो है उसे नहीं छोड़ा। इतनी में भैया भी उसका आ गया, भैया ने भी उसे पकड़ लिया। उन्हें जो है जब इस बात का जो है समाज को पता चला तो उन्हें भी वीर बालक उनके आदम्य साहस को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें भी गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा नामक जो है दो मतलब पुरस्कार उन्हें प्रदान किए। अब इसी प्रकार से हमारे देश में, हमारे समाज में जो है विभिन्न घटनाएं घटती रहती हैं। हमारे यहाँ एक से एक बालक जो है बड़े आदम्य साहस उनके अंदर भरा हुआ है, लेकिन समय और परिस्थिति जैसे होती है बालक वैसा ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट में ये कुछ शब्दार्थ हैं, मैं आपको शब्दार्थ दिखा रहा हूँ। साहस, साहस का हिम्मत, पर्वत, पर्वत का पहाड़, प्रहार, चोर या आक्रमण, चोर, पुरस्कार, इनाम, घायल, चोटिल होना, अचानक एकाएक, अवसर, अवसर कहते हैं मौका, मौका मिलना, पुनः फिर से, ये इस पाठ के शब्दार्थ हुए। अब इधर हैं विलोम शब्द, साहस, साहस का कायर, माता पिता, शेर शेरनी, दिन, दिन का उल्टा क्या होगा, रात, गरीब, गरीब का विलोम शब्द होगा अमीर, प्रशंसा, प्रशंसा का बुराई, स्वर्ग, स्वर्ग का नर्क, गंदा, गंदा का साफ,
स्त्री पुरुष। ये शब्द अर्थ हुए। और उसके बाद मैं जो है अभी आपको पर्यायवाची शब्द लिखाता हूँ और उन्हें भी आप अपने इस कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। देखिए आगे ये जो शब्द हैं इनके आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ध्यान देंगे। पर्वत, पर्वत का शैल। और पहाड़, शेर बाघ। शीन, हाथ, हस्त और मूल। फूल, पुष्प सुमन। पानी, पानी का नीर। और जल, आँख, आँख का लोशन। और नेत्र, आग का पावक, अग्नि। दिन, दिन का होगा दिवाकर। और दिवस। अंत में है आकाश, आकाश का गगन और अंबर। इस प्रकार से ये आपके पर्यायवाची हुए, ठीक है।